सो व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, आरजी यार मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेके एक वीडियो। यार बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है इंडियन आइडल में एक कंटेस्टेंट रितु रिबा को लेके। मैंने उनके रिलेटेड एक वीडियो डाली थी, उनके ऑडिशन वीडियो पे रिएक्ट करा था अपने मेन चैनल आरजी हेयर पे, और मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ता जा रहा हूँ कि थिएटर राउंड में रितु रिबा को बाहर कर दिया गया। यार इतनी अच्छी आवाज़ इंडियन आइडल से बाहर हुई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों। और मैंने सुना विशाल दादलानी वहाँ पे नहीं थे, अगर वो होते तो शायद लड़ पड़ते इस चीज़ के लिए। अभी मैंने ऑडिशन देखा नहीं है थिएटर राउंड वाला, तो मैं देखना चाहूँगा और मैं आप लोगों के साथ ही देखता हूँ। तो अगर आप लोगों को लगे कि ये चीज़ है तो प्लीज़ वी आर वोटिंग फॉर, वी वॉन्ट जस्टिस फॉर रितु रिबा, वी वॉन्ट हिम बैक इन द शो, ये बोलने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं देखना चाहूँगा थिएटर राउंड में हुआ क्या, मैंने सुना गाना ही नहीं सुना भाई से, तो देखते हैं फिलहाल के लिए। आई एम सॉरी अगर मतलब मैं कुछ गलत बोल दूँ ना, या तो प्लीज़ माफ़ कर देना। और मैं अपने रिएक्शन वीडियोस के अंदर एक बात हमेशा बोलता हूँ कि मैं हर वीडियो पे रिएक्ट करता हूँ जो आप मुझे सजेस्ट करते हो रोज़ सुबह 10 बजे, तो प्लीज़ सजेस्ट किया करो वीडियो। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई वीडियो ऐसा हो कि आपको लगे कि मैंने कुछ गलत कह दिया, तो प्लीज़ मेरे को क्लैरिफाई करने के लिए कोई लिंक वगैरह डाल दिया करो, कोई रेफरेंस डाल दिया करो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी इंसान हूँ, गलती हो जाती है, आप भी इंसान हो, गलती हो जाती है। गलती यार इज़ नॉट अ बिग डील, बिकॉज वो उसे हम सुधार सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक कि एक गलती ऐसी हो जिसे हम सुधार ना पाएँ, तो गाइज कीप वॉचिंग। अपन अभी पहले मैं देख लूँ यार, मेरे को मतलब बहुत ईगर हो रहा है देखने में, आई एम फीलिंग इट लाइक दैट। तो रिएक्शन बाय आरजी को भी सब्सक्राइब कर लो, जो ब्लॉग्स देखना चाहते हैं 20 ब्लॉग्स बाय आरजी को भी कर लो, और आरजी हेयर पर भी मैं रोज़ का एक वीडियो डालता हूँ, तो स्टे ट्यून्ड, आपके लिए बहुत सारा कंटेंट भर भर के आ रहा है। सो लेट्स वॉच इट, पहले मेरे को ये देखना है अभी। जी हाँ, ये सोनी टीवी को कर्टसी है हमारी कि वो ये वीडियो अगर हमें अलाउ कर रहे हैं देखने के लिए, तो जाके पूरा एपिसोड आप वहाँ पे देख सकते हो। तुम कोई गाना अभी इसी वक्त अगर 2 मिनट में तुम्हें दिया जाए कि इसी वक्त कोई सिचुएशन पे तुम एक गाना बना दो, तो क्या तुम बना सकते हो? यार एक मिनट, आप ऑडिशन देने के लिए एक बंदे को बुलाते हो सिंगिंग रियलिटी शो में, आर यू जजिंग ऑन कॉम्पोजिशंस? और आप एक रैंडम बंदे को बोलोगे कि गाने पे ये गाना बनाओ ऑन द स्पॉट, फिर हम आपको जज करेंगे आपकी सिंगिंग पे। ऑन द स्पॉट बंदे के सुर तो क्या लगेंगे, वो कॉम्पोजिशन सोच रहा होता है, ठीक है। तो वो सिचुएशन आ गई, मैं देखना चाहूँगा यहाँ पे। ये सर मैं ट्राई करता हूँ। तो आओ सुनाओ आप सबको एक प्यार की कहानी। सुनाओ। एक था शहर का मुंडा, एक थी गांव की लड़की। ये कौन से गांव से है? दोनों मिले कुछ इस तरह जैसे मिलते हैं संगम पे दो नदियों का पानी। यार इनिशियली इतना थॉट भी लेके आना बहुत बड़ी बात होती है। वाह। फिर एक दिन उस मुंडे ने कर दिया उस लड़की से अपना प्यार का इजहार कुछ इस तरह। Look at the voice, man. और इसे इन्होंने नहीं लिया तो फिर भैया आप नाक से गाओ और आप गला फाड़ के। मैं इनिशियली एक चीज ना बड़ी क्लियरली बोल देना चाहता हूँ, नेहा कक्कड़ की जर्नी इतनी रिस्पेक्टफुल और इतनी अच्छी रही है, बस एक ही गलती है नेहा कक्कड़ के कि जिंदगी में वो गलती सुधर तो नहीं सकती, वो है टोनी कक्कड़। वही वो एक एक वर्ड पकड़ के गाने वाला आदमी, उस पूरे गाने के लिरिक्स एक ही वर्ड पे होते हैं। अगर उसको कंपोजिशन करने को कहा होता ना, तो वो पूरा गाना नेहा 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 रोहन 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 करके निकाल देता। सो इफ दे आर जजिंग ऑन कंपोजिशन एंड दे आर गिवन अ जॉब कि तू अपना गाना कंपोज ऑन द स्पॉट कर और गा, अगर इस बेस पे ये जज कर रहे हैं इंडियन आइडल जो कि हम सिंगिंग रियलिटी शो बोलते हैं ना कि कंपोजिशन रियलिटी शो, तो ये टोटली अनफेयर है। तो ये तो मतलब वही बात होगी ना, आपने अपने आप को सही प्रूव कर दिया, दूसरे बंदे को अगले राउंड में आके कोई भी रीजन देके बाहर कर दिया। लेट्स सी, भाई ने गाया तो अच्छा ही होगा, अभी भी मैं बोल देता हूँ। भगवान की मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, भाई अपने चैनल्स को इतना बड़ा बना दो कि मैं ऐसे सिंगर्स के लिए अपना चैनल खोल सकूँ, यही वाला, मतलब इन्हीं चैनल्स पे मैं इनके लिए गाने प्रोड्यूस कर सकूँ, मैं लेके आ सकूँ ऐसे टैलेंट को। अगर इस बंदे को ऑडिशन से बाहर किया है ना, ये आवाज़ मैंने नहीं सुनी है प्लेबैक क्वालिटी में, जो गलती जुबिन नौटियाल के टाइम पे हुई थी और वो आज की डेट में एक्स फैक्टर में सोनू निगम के ऊपर भारी पड़ती है, वो ये इन लोगों पे भारी पड़ने वाली है बहुत जल्दी।
क्योंकि अगर अभी ना हो तो कभी ना कभी, तो मतलब मैं आज अपने ही चैनल पे बोल रहा हूँ, जिस दिन मेरा चैनल इतना बड़ा हो गया और मेरे पास फंड्स आए, द फर्स्ट सॉन्ग आई वुड लव टू डू विद अदर सिंगर विल ओनली बी रितु रिबा। मैं ट्राई करूँगा कि मैं इनके लिए कुछ कर पाऊँ। तो गाइस सपोर्ट करो यार, तबाह के सपोर्ट करो, मेरी पूरी हिम्मत लग जाती है आपके लिए वीडियोस लेके आने में, दिन भर काम करता हूँ, आप मेरे ब्लॉगिंग चैनल पे देख सकते हो। तो अभी देखते हैं क्या यार, ये भाई प्लेबैक क्वालिटी का बाप है भाई, ये बंदे क्यों नहीं ले रहे हो? ये बंदा अगर बाई चांस प्लेबैक दे गया ना तो मतलब कुछ और ही लेवल चला जाएगा। शै ब्रो शै, मतलब यार गूज बम्स आते हैं इसकी आवाज सुन के आदमी की, भाई नेक्स्ट लेवल यार। जा करता हूं मैं तुझसे ये। मैं और मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं प्लीज क्षमा चाहता हूँ कि मुझे ये नेहा कक्कड़ की एडिटेड वीडियो यूज करनी पड़ी। ओरिजिनल वीडियो पे बहुत गंदा ब्लॉक और कॉपीराइट कंटेंट है तो मैं नहीं डाल सकता था, यही वीडियो मुझे मिली है। अभी ये भी नहीं पता अपलोड करने से पहले कि मैं डाल पाऊंगा कि नहीं, तो डाल के ही पता चलेगा। और अगर गाइज ये वीडियो डल गई है ना तो मतलब मुझे पता है मैंने कैसे डाल लिया ये ढूंढ ढांड के वीडियो। ब्लॉक तो एक मिनट में करता सुननी है एंटरटेनमेंट, अगर उनके बारे में कुछ बोल दो। तेरे बगैर ना कोई दूजा सोनी है। क्या बात है यार, मतलब तुम कोई गाना अभी इसी वक्त अगर दो मिनट में तुम्हें दिया जाए कि इसी वक्त कोई सिचुएशन पे तुम एक गाना बना दो, तो क्या तुम बना सकते हो? यार दिस गाइस, दिस गाय जिसको आप मेरी साइड पे देख रहे हो इस टाइम, अभी तो फिलहाल के लिए मेरे को बंद करना पड़ गया, चलो मैं एक बार के लिए लगा लेता हूँ दोबारा। द गाय आई वाज सीइंग मी सीइंग इन द फ्रंट ऑफ माइंड, यार ये बंदा टैलेंट नहीं, टैलेंट की भरमार है, और अगर इसकी कदर नहीं की ना इंडियन आइडल वालों ने, ये किसी की कर नहीं पाएंगे। लुक एट द टैलेंट, लुक एट द टैलेंट, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त भाई। रितु रिबा, मैं बोल चुका हूँ ये चीज़ एंड मैं एम वेरी क्लियर अबाउट इट, भैया चैनल को बड़ा करो, अपन ऐसे सिंगर्स के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे इन फ्यूचर। मतलब मज़ा आता है यार देख के, ऐसे सिंगर्स को सुन के इतना मज़ा आता है, इनको साथ लेके चलने में कितना मज़ा आएगा। सो गाइस सपोर्ट करो, रितु रिबा को भी सपोर्ट करो, इसके भाई के ऑफिशियल चैनल पे जाके सपोर्ट करो, करो यार बड़ा मज़ा आता है। ये क्या आवाज़ थी इस बंदे की, क्या आवाज़ है इस बंदे की, और आर्टिस्ट इज़ लाइक आर्टिस्ट मैन, ट्रू आर्टिस्ट इज़ बीन रिजेक्टेड ऑन इंडियन आइडल, दैट्स व्हाट शुड बी द टाइटल। आपको कैसा लगा ऑडिशन मुझे ज़रूर बताना, और मुझे बहुत दुख है ये बोलते हुए कि ये इस बार जजमेंट फेयर नहीं था, नहीं था। तो गाइज स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, मैं आपके लिए वीडियोज़ लाता रहूँगा, ज़्यादा बोलने की हिम्मत मेरी हो नहीं रही, मन खराब है, तो विल सी टू इट। जय हिंद।